हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। थ्योरी ऑफ मशीन में हमने फर्स्ट लेक्चर इसके पहले देख लिया है, लेक्चर एक देख लिया है। अब आज से हम लोग दूसरा लेक्चर उसका देखने जा रहे हैं, यानी कि आज शुरुआत होगा थ्योरी ऑफ मशीन का सेकेंड लेक्चर। जो लोग अभी नए हैं, सेकेंड लेक्चर देखने आ रहे हैं, वो पहले फर्स्ट लेक्चर जरूर देख ले, ठीक है? तभी जाके आगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? और वो आपके लिए फ़ायदा करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ बता दें कि आप थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन पढ़ते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने अंदर पेशेंस रखिएगा। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन को, तो अपने अंदर पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है? पेशेंस जरूरी है, ठीक है? तो पेशेंस बनाए रखिएगा। और कोई भी वीडियो आप शुरू करें, कोई भी लेक्चर, तो उसको एंड तक देखिए, मतलब उसको खत्म जरूर करिए। जब तक उसको आप खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप पूरे कॉन्सेप्ट को, हर चीज को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? तो बस ये आपसे यही गुजारिश है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा, तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे। तो हमने देखा था पिछले में मशीन और मैकेनिज्म के बारे में जो डिफरेंस होता है, या मैकेनिज्म और मशीन का जो डिफिनीशन है उसको देख लिया, ठीक है ना? उसमें कुछ की एलिमेंट फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे एक मैकेनिज्म का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ मैकेनिज्म की बात करें अगर, तो उसका क्या था, मोशन को ट्रांसमिट तथा ट्रांसफॉर्म करना, है ना? ये था ना? तो मैकेनिज्म का फंक्शन क्या था, मोशन को ट्रांसमिट और ट्रांसफॉर्म करना। लेकिन यही बात करें अगर फंक्शन ऑफ ए मशीन क्या था, मशीन का क्या था, तो ये तो था ही, है ना? मोशन को ट्रांसमिट और ट्रांसफॉर्म करना तो है ही, प्लस कुछ एनर्जी होगा, ठीक है ना? अवेलेबल एनर्जी को, या फिर आप कहिए डायरेक्टली, अब अवेलेबल बहुत कह चुके, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, यूजफुल वर्क में या डिजायर्ड वर्क में ट्रांसमिट और ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है? और हमने दोनों देखा कि जो मशीन होगा या फिर मैकेनिज्म होगा, दोनों ही क्या होंगे, कई सारे बॉडी का, कई सारे पिंडों के असेंबली होंगे, यानी कई सारे पिंड जो है जुड़े होंगे आपस में कनेक्शंस के द्वारा, ठीक है? कनेक्टेड होंगे आपस में, हमेशा टच में रहेंगे कई सारे पिंड, ठीक है? अब एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, जैसे कि हम समझ रहे हैं मशीन है तो मशीन को हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्य उत्पन्न करता है, यानी कार्य प्रोड्यूस करता है, ऐसा है ना? कि क्योंकि वहां पे कार्य हो रहा है, तो हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कार्य प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? तो जी बिल्कुल भी नहीं, मशीन जो है कभी कार्य प्रोड्यूस नहीं करता। तो एक नोट लिखेंगे, एक जरूरी नोट क्या लिखेंगे, मशीन इज नाइदर अ सोर्स ऑफ एनर्जी नॉर अ प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर ऑफ वर्क। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कहने का मतलब मशीन न तो किसी प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, और न ही यह कार्य उत्पन्न करता है, और न ही यह कार्य प्रोड्यूस करता है। ठीक है? तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे,
मशीन जो होता है वो कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है, पहली बात ऊर्जा स्रोत नहीं होता है, और न ही ये वर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल और हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम्पल्स बहुत सारे बाकी हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जो हमको समझने अच्छे से, ठीक है। तो पहले तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था, कुछ एग्जाम्पल में क्या एग्जाम्पल देखा था, एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल देखा था, है ना, एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल देखा था हमने। क्या देखा था कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, है ना, ये क्या है, एक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। ये किसका है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए मैकेनिज्म, ठीक है ना, ये मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। लेकिन इसी स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को जब अच्छे खास से बिल्ड, अच्छे से बिल्ड कर देते हैं और किसमें लगा देते हैं, आईसी इंजन में, इसी स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को, तो एक तरह से आईसी इंजन क्या बन जाता है, एक मशीन बन जाता है। लेकिन फिर से आप ध्यान रखेंगे, हम बताए थे जो उसमें कंबस्चन वाले पार्ट को हम नहीं लेंगे कंसिडर, अदरवाइज वो पूरी तरह से क्या कहलाएगा, एक हीट इंजन इंजन कहलाएगा, ठीक है ना। तो आईसी इंजन एग्जाम्पल, मशीन के एग्जाम्पल क्या हो गए, तो क्या था, इंटरनल कंबस्चन इंजन, आईसी इंजन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्दहन इंजन, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गए, पंप हो गया इसी तरह से, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, स्टीम इंजन हो गया। फिर से स्टीम इंजन में वही बात है, स्टीम को नहीं मानेंगे, जो पिस्टन पर बल लग रहा है और उससे जो टार्क जो उत्पन्न हो रहा है, यानी घुमाव घूर्ण जो उत्पन्न हो रहा है, जिससे हम किसी चीज को व्हील को रोटेट कराते हैं, वो वाला कंसीडर करेंगे। स्टीम जो है क्या कर रहा है, वो नहीं, बस पिस्टन पे फोर्स लगता है, वो हमारे पास अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी है, उसको ये स्टीम इंजन का भी काम वही है। क्योंकि जब आईसी इंजन नहीं था तो शुरू में जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को जो रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का हमारे पास साधन था, वो स्टीम इंजन ही था, क्योंकि सबसे पहले स्टीम इंजन ही बना है, ठीक है ना, सबसे पहले स्टीम इंजन बना है, तब जाके थर्मोडायनेमिक्स बना है, ये जान लीजिएगा, ठीक है ना, जो पढ़े होंगे आप लोग, सबसे पहले बना था स्टीम इंजन। अब स्टीम इंजन पर बहुत सारे जब एक्सपेरिमेंट किए गए इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, तब जाके धीरे धीरे जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है उसका विकास हुआ, तब जाके बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट हमको मिले, ठीक है। तो ये स्टीम इंजन का अलग इतिहास है, थॉमस न्यूकमैन ने पहला वाला बनाया था, उसका एफिशिएंसी बहुत कम था, ठीक है, चलिए उसकी बात छोड़ते हैं। तो स्टीम इंजन हो गया और फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप, स्टीम इंजन। अब मशीन जितने आप देखते हैं आपके वर्कशॉप में, हर टाइप का मशीन, चाहे वो लेथ मशीन हो, वो मशीन का एग्जाम्पल है, ये प्रॉपर एग्जाम्पल्स हैं, लेथ मशीन हो गया, इसके बाद सेपर हो गया, है ना, प्लेनर हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, मिलिंग मशीन हो गया, तो सब के सब क्या है, ये मशीन के एग्जाम्पल। ये क्या करते हैं, एक मोटर में, मोटर द्वारा जो अवेलेबल एनर्जी होता है उसको अलग अलग फॉर्म के वर्क में ट्रांसमिट और ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिससे हम टूल चलाते हैं, टूल को जब चलाते हैं या वर्क पीस को भी चलाते हैं तो हमारा कटिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, मशीन के एग्जाम्पल है, लेथ हो गया, सेपर हो गया, प्लेनर हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, मशीन के एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं मैकेनिज्म के, हालांकि इनको सेमी मैकेनिज्म भी के श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन हम आपको रीजन बताएंगे, आप प्रॉपर मैकेनिज्म के ही, कहीं 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 हायर लेवल के किताबों में ऐसे भी लिखा होगा, और ये भी हायर लेवल के किताब में ही लिखा है कि ये मैकेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है, जो अभी आगे बताने जा रहे हैं जिनके बारे में। लेकिन कभी कभी इनको सेमी मैकेनिज्म भी, मतलब सेमी तरह का मशीन और मैकेनिज्म के बीच की कड़ी कहते हैं। जैसे हो गए एग्जाम्पल के लिए, तो कुछ ये कहेंगे हम अदर एग्जाम्पल्स, अन्य उदाहरण ऑफ मशीन, सॉरी मैकेनिज्म्स, मैकेनिज्म के अन्य उदाहरण, ठीक है, जैसे
मैकेनिज्म के अन्य उदाहरण में जैसे हम बात करेंगे, बात करें क्लॉक, ठीक है, घड़ी, स्प्रिंग टॉय, सॉरी ये SPR है जी, स्प्रिंग टॉय, ठीक है, यानी स्प्रिंग के खिलौने और टाइपराइटर, अब ये वॉच कर लीजिए, वॉच, वॉच या क्लॉक भी कहिए, ठीक है, तो वॉच या क्लॉक, वॉच ज्यादातर क्योंकि वॉचेज लिखा होता है, तो वॉच हो गया, ठीक है, जो हाथ की घड़ी है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे ये डिजिटल नहीं है, ठीक है ना, मैकेनिकल वाला है, और स्प्रिंग टॉय हो गया, टाइपराइटर हो गया, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है मैकेनिज्म के। कैसे, देखिए इसमें भी आप सवाल ये कह सकते हैं, ये सवाल कर सकते हैं कि नहीं, कि इसमें इसमें तो सर सेल लगाया जाता है, यानी एनर्जी दिया जाता है, ठीक है ना, तो हम बताए थे कि एनर्जी जब दिया जाएगा, अवेलेबल कोई एनर्जी होगा तो क्या हो जाएगा, मशीन के श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि मैकेनिज्म का तो बस काम जो है मोशन को ट्रांसमिट और ट्रांसफॉर्म करना है। स्प्रिंग टॉय में वही बात है, एनर्जी दिया जाता है, कमानी को हम भरते हैं, है ना, स्प्रिंग टॉय में क्या करते हैं, कमानी को अपने हाथ से भरते हैं, एनर्जी देते हैं, तब जाके आगे बढ़ता है। टाइपराइटर हो गया, टाइपराइटर में जो टाइपिस्ट होता है वो हाथ से क्या करता है, एनर्जी देता है ना, लेकिन उन सब जो एनर्जी दिया जा रहा है आप समझिए उसका काम क्या है, वो कर क्या रहा है, ठीक है। हम कभी नहीं वॉच को कहते हैं कि मेरे हाथ में जो घड़ी है, हम सुई को, इस सुई को ये नहीं कह रहे हैं तुम्हें चलो 5 किलो बांध दे रहे हैं और तुम 90 डिग्री या 180 डिग्री घुमा दो इसको, इस लोड को 5 किलो तुम्हारे ऊपर लाद दे रहे हैं घड़ी की सुई को, ऐसा होता है क्या, नहीं ना, वो यानी कि कोई यूजफुल काम ये नहीं कर रहा है, बस ये कर रहा है कि अपना जगह बस चेंज कर ले रहा है अपने मन से, ठीक है ना। तो इसको हम ये कहते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे ये जो क्लॉक है, एक ये है और एक ये है, तो हम इसको ये कहते हैं कि भाई तू क्या कर कि अपना जगह चेंज कर, जिससे हमको पता चले कि समय क्या होगा, ठीक है, बस तुमको हम, बस हमको चाहिए कि तुम मोशन, बस मोशन करो तुम दोनों, एक और ले लीजिए तो एक और कर ले सकते हैं आप, दो ही मान के चलिए, मतलब एक सेकेंड वाली भी होती है, हम घंटे और मिनट की बना दी, कह रहे हैं कि बस आप भाई मोशन करिए, जगह जगह अपना जगह चेंज करिए दोनों लोग, हमको पता चल जाएगा, हम जान जाएंगे, यानी हमारे लिए कोई काम नहीं है, बस आपको क्या मोशन में, मतलब एक मोशन, डिजायर्ड मोशन दीजिए कि इतने समय के बाद ऐसे ऐसे चेंज होइए। तो घड़ी कहेगा भाई कि हम, हमारे अंदर आपने इतने कंपोनेंट लगा दिए हैं, क्योंकि लगे होते हैं ना बहुत सारे, इसमें छोटे छोटे गियर लगे होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, अब भाई उनमें फ्रिक्शन है, तो उन फ्रिक्शन को ओवरकम कैसे किया जाए, उन फ्रिक्शन से आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि वो तो रोके रखेंगे, तो कहते हैं चलो भाई छोटा सा तुमको एक सेल दे देते हैं, सेल से क्या देते हैं, तुमको एनर्जी देते हैं, उससे क्या होगा कि जो भी फ्रिक्शन हो रहा होगा कंपोनेंट्स में उसको तुम ओवरकम कर पाओगे, तो जाहिर सी बात, तो यानी हम क्या समझे, इसका एक ही मतलब हुआ कि जो हम एनर्जी इनमें देते हैं वो क्या होता है, जो बस फ्रिक्शन को, जो जो विभिन्न पार्ट होते हैं उनके बीच फ्रिक्शन होता है, तो उन फ्रिक्शन को बस ओवरकम करने के लिए होता है, बस एनर्जी दिया जाता है ताकि इनके बीच जो है रिलेटिव मोशन हो सके, रिलेटिव मोशन होगा, बस हमको इनसे क्या मतलब है, रिलेटिव मोशन से खिलौने पे क्या कुछ हम लाद के कुछ काम करते हैं, नहीं, बच्चों के खेलने के लिए होता है, बच्चे बस क्या उनको एक जगह से दूसरे जगह जाकर देख, जाते हुए देखकर खुश होते हैं, है ना, बस उनको जाना है, यानी मोशन का ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी टाइपराइटर भी मोशन का ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे मोशन होगा वहां पे छपता रहेगा, ठीक है, ये वॉच में भी वैसा ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इसलिए ये मैकेनिज्म के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनको एनर्जी तो दिया जाता है, लेकिन जो एनर्जी दिया जाता है उसका काम जो होता है वो मोशन को ट्रांसमिट और ट्रांसफॉर्म करना होता है, न कि कोई डिजायर्ड वर्क चाहिए होता है, और उस मोशन को ट्रांसमिट और ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनके में, इनमें जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनके बीच फ्रिक्शन होता है, उसको ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है ना। तो यही बात है इनका मैकेनिज्म के, मैकेनिज्म में, यानी मैकेनिज्म के एग्जाम्पल्स में आने का रीजन इनका यही, ठीक है, इनका कारण यही। तो
तो आपने और भी एग्जांपल देख लिया। तो यहाँ पे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये दे दिए जाएंगे, पूछेंगे मैकेनिज्म है या मशीन है या क्या है, ठीक है ना। चलिए अब जो है आते हैं हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो टॉपिक है रिजिड एंड रेजिस्टेंट बॉडी, ठीक है। रिजिड एंड रेजिस्टेंट बॉडी यानी कि दृढ़ एवं प्रतिरोधी पिंड, ये दोनों क्या होते हैं इनको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। दृढ़ एवं प्रतिरोधी पिंड यानी दृढ़ पिंड अलग है, प्रतिरोधी पिंड अलग है, ठीक है। तो रिजिड एंड रेजिस्टेंट बॉडी, रेजिस्टेंट बॉडी बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉडी भी आप कह सकते हैं, किसी किसी किताबों में ऐसे भी लिख देता, लेकिन आप अच्छे से अगर प्रोनाउंसिएट करें और देखें तो रेजिस्टेंट बॉडी कहा जाएगा। तो रिजिड दृढ़ एवं प्रतिरोधी पिंड के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। तो दृढ़ एवं प्रतिरोधी पिंड में क्या है, हमको क्या जानना है कि देखिए, अगर कोई ऐसा बॉडी है जिस पर फोर्स लगाया जाए और उसमें कोई डिफॉर्मेशन ना हो यानी कोई भी विरूपण ना हो, तो उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस पर कितना भी फोर्स लगा दे, कितना भी बड़ा फोर्स लगा दीजिए, चाहे वो कंप्रेसिव हो, चाहे वो टेंसाइल हो, कैसा भी हो, मूवमेंट लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, कितना भी फोर्स लगा दीजिए, इसमें जो होना चाहिए जो कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, यानी अगर दो पॉइंट चूज करें इस पर, ये डी, दो पॉइंट के बीच अगर डिस्टेंस डी है, तो लोड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ लोड, सॉरी उल्टा बोल दिए, तो एप्लीकेशन ऑफ लोड यानी लोड लगाने से पहले, ये फोर्सेज लगाने से पहले जो डिस्टेंस रहा होगा वही डिस्टेंस फोर्सेज लगाने के बाद रहे, तो इसको हम बोलेंगे कैसा बॉडी, रिजिड बॉडी, यानी इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कितना भी आप लोड लगा लीजिए, कितना भी फोर्स लगा दीजिए, उस फोर्स पर डिपेंड नहीं करने वाला। तो क्या रिजिड बॉडी एक्चुअल में होता है? नहीं, क्योंकि कैसा भी बॉडी है, हीरा ही हम जानते हैं, अभी तक जो जानते हैं सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, तो क्या हीरा नहीं टूट जाता है? हार्डेस्ट, हालांकि हार्डेस्ट है, फिर टफेस्ट की बात करते हैं, टफेस्ट में बहुत सारे हो गए, ठीक है। अभी स्टोन है, उसको हम लोग कितना भी मारे, बहुत हैवी स्टोन है तो हम हथौड़े से मारे, किसी भी चीज से मारे नहीं फूटता है, लेकिन स्टोन क्रशर ला दीजिए, ठीक है, कोई ना कोई आप माध्यम, कोई ना कोई जुगाड़ आप देख पा ही जाएंगे, जिससे क्या करेंगे, कोई भी बॉडी है उसके, उसमें डिफॉर्मेशन ला ही देंगे आप, यानी विरूपण ला ही देंगे। तो डिफॉर्मेशन अगर नहीं है, नो है, एकदम नहीं है, यानी कि विरूपण बिल्कुल नहीं है, फोर्स लगाने के बाद, चाहे फोर्स कितना भी ज्यादा हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग रेजिस्टेंट बॉडी, ठीक है ना, सॉरी रिजिड बॉडी कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया रिजिड बॉडी, यानी हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि ऐसा पिंड जिस पर बल लगाने के बाद उसमें कोई भी कोई भी रूपण नहीं होता है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, अथवा दूसरी भाषा में कहें कि उस पर स्थित पिंड पर स्थित या बॉडी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच जो है अंतर समान रहता है, लोड लगाने से पहले और लोड लगाने के बाद जो दो बिंदुओं के बीच दूरी जो होता है वो समान रहता है, तो उस पिंड को हम क्या कहते हैं, रिजिड, दृढ़ पिंड कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि कोई भी ऐसा बॉडी है नहीं यहां पर जो रिजिड है, ठीक है ना, क्योंकि आप कोई ना कोई साधन जरूर खोज लेंगे जिससे क्या करें, उसके आप चेंज कर सकते हैं, उसमें डिफॉर्मेशन ला सकते हैं, ठीक है ना, उसको ब्रेक कर सकते हैं या फिर डिफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो हमारे सामने क्या आया, तो भाई कैसे हम लोग रिजिड, क्योंकि जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो रिजिड मान के करते हैं,
रिजिड मान के करने का कहने का मतलब कि हम ये मानते हैं, कोई भी एनालिसिस करते हैं कभी कभी तो फोर्सेज हम मानते हैं कि फोर्स तो लग रहे हैं लेकिन उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए आपको बता दे क्या रीजन क्या है कि यही आपका मान लीजिए कनेक्टिंग रॉड वाला ही एग्जाम्पल था, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्यों रेजिस्टेंट बॉडी की मतलब डेफिनेशन की जरूरत पड़ी रिजिड बॉडी न होने के बाद? क्योंकि आप जब अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना, कोई फोर्स इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा, ये टोटल फोर्स यहाँ पर ट्रांसमिट तभी होगा, यही एफ फोर्स, जब इस पूरे बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन न हो रहा हो। तो और आइडियली हम मानते भी हैं, यानी कि हम क्या हम जब एनालिसिस करते हैं तो मानते भी हैं कि जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है वही यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसके लिए और एक चीज़ और भी होता है, एक और हम अजम्पशन लेते हैं जो डायनेमिक्स ऑफ मशीन में हम लोग देखेंगे, मासलेस की बात करेंगे, ठीक है, वो आगे बात करते हैं। लेकिन ये मतलब डिफॉर्मेशन न होने का मतलब यही है कि ये फोर्स यहाँ पर सेम अमाउंट में ट्रांसमिट होगा, ठीक है ना। तो रिजिड बॉडी की आवश्यकता तो है ना, लेकिन एक्चुअल में रिजिड बॉडी कोई नहीं है। तो फिर हम रेजिस्टेंट बॉडी पर आते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं रेजिस्टेंट बॉडी पर आते हैं। तो रेजिस्टेंट बॉडी ऐसा बॉडी है जिसमें लोड लगाने के बाद, यानी कि फोर्सेज लगाने के बाद, लोड या फिर फोर्सेज लगाने के बाद, एक्सटर्नल फोर्सेज को लोड कहते हैं, ठीक है ना, आप लोग मॉस में पढ़े होंगे। लोड लगाने के बाद जब बाहर से लगाए गए बल होते हैं उनको लोड नॉर्मली कहते हैं, ठीक है ना। लोड लगाने के बाद नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि नगण्य, नगण्य विरूपण होता है, विरूपण यानी कि डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उस बॉडी को हम कहते हैं, इस बॉडी पर लोड लगाने के बाद नेग्लिजिबल होता है तो उसको हम नगण्य मान सकते हैं, ठीक है, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंट बॉडी। या फिर एक और तरह से कह सकते हैं कि अपने पर्पज को सर्व करने के लिए सर्व करना मतलब पूरा करना, सर्व करने के लिए जो बॉडी यानी जो पिंड, कई सारे बात कर रहे हैं, एक बॉडी भी आप चाहें तो लिखना तो लिख सकते हैं, जो बॉडीज जो अपने पर्पज को सर्व करने के लिए जो बॉडीज रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करते हैं, उन्हें रेजिस्टेंट बॉडी कहते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ अपने पर्पज को सर्व करने के लिए? तो पर्पज को सर्व करना मतलब हम कहें कि एक्चुअल में कोई रिजिड बॉडी नहीं होता, यानी कोई भी बॉडी लीजिए तो उसका डिफिनेशन ये है कि कितना भी फोर्स लगाइए उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे मटेरियल का, बहुत स्ट्रांग मटेरियल का अपने कोई बॉडी बना दिया और उस पर फोर्स आप क्या लगाते हैं, आप उस पर फोर्स बहुत कम ही लगाते हैं, तो उस कंडीशन में उसमें डिफॉर्मेशन होने वाला है नहीं, यानी उस पर्पज को सर्व कर रहा है तब उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो जब पर्पज को सर्व करने के लिए वो कैसे एक्ट कर रहा है, क्योंकि कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे रिजिड बॉडी करें। लेकिन एक्चुअल में रिजिड बॉडी का डिफिनेशन ये है कि कितना भी फोर्स आप लगा दीजिए उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन रेजिस्टेंट बॉडी क्या है कि जो ऐसा बॉडी जो पर्पज को सर्व करने के लिए, यानी जिस पर्पज के लिए लगाया गया, जिस काम जो काम उससे लिया जा रहा है, उस काम को करने में अगर उस पर कोई बल लग रहा है तब भी उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर बहुत कम डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंट बॉडी कहेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे
एग्जाम्पल में अभी हमने दिखाया, एक लिया था कनेक्टिंग रॉड हो गया, एग्जाम्पल में क्या हो गया रेजिस्टेंट बॉडी का कनेक्टिंग रॉड, रिजिड बॉडी का कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, क्रैंक हो गया, लीवर हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बेल्ट भी होता है एक रेजिस्टेंट बॉडी, क्या होता है बेल्ट, लेकिन कब, बेल्ट पर जब इंटेंशन यानी बेल्ट जब उस पर तनाव बल लगा हो, तो बेल्ट भी एक रेजिस्टेंट बॉडी है लेकिन जब उस पर तनाव लगाओ, तनाव बल लगाओ, टेंशन टेंसाइल फोर्स लगाओ, या फिर कहें बेल्ट इन टेंशन। अब कोई फ्लूड भी करेगा रेजिस्टेंट बॉडी की तरह एक्ट, कब, फ्लूड इन कंप्रेशन, गैस की बात नहीं कर रहे हैं, फ्लूड, क्योंकि फ्लूड जो होते हैं इन बाय नेचर ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि गैसेज जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, उनको कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन फ्लूड जो होते हैं बाय इट्स नेचर ज्यादातर फ्लूड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स प्रेशर भी अप्लाई कर दे तब भी उनमें कोई जो है आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए कि फ्लूड जो है इनकम्प्रेशन कैसे एक्ट करते हैं, यानी अगर उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगा हो तो वो कैसे एक्ट करते हैं, एज ए रेजिस्टेंट बॉडी एक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी रेजिस्टेंट बॉडी होंगे वो एज ए लिंक आगे आएंगे काम, इन्हीं को पढ़ेंगे लिंक के बारे में, ठीक है ना। लिंक, काइनेमेटिक लिंक या फिर एलिमेंट, तीन नाम से जानते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और पिछली बार शायद पूछा भी था, हमको कंफर्म नहीं याद है लेकिन शायद पूछा था काइनेमेटिक लिंक के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आगे देखेंगे हम लोग। तो फ्लूड इन कंप्रेशन जैसे एग्जाम्पल के रूप में दे दे, बेल्ट इन टेंशन का एग्जाम्पल दे दें, जैसे आप आटा चक्की के मशीन में नॉर्मली आप जाते ही हैं तो वहाँ पे देखते हैं मोटर होता है, मोटर पे एक पुली होता है, पहिया लगा होता है, पुली होता है, उसको पुली कहते हैं, उसको जो है दूर ले जाकर एक और पुली होता है, एक शाफ्ट रहता है उस पर जोड़ दिया जाता है, तो पुली उस इस पुली से उस पुली पर जो मोशन का ट्रांसमिशन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, बेल्ट लगा दिया जाता है, तो वो एग्जाम्पल है बेल्ट इन टेंशन का, ठीक है ना। अब फ्लूड इन कंप्रेशन का तो आप लोग पास्कल का लॉ पढ़े होंगे फ्लूड मैकेनिक्स में, मतलब सॉरी फ्लूड मैकेनिक्स आप नहीं जानते होंगे, मतलब अलग नाम से जानते होंगे, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, उसमें जो है आप लोग कई इक्विपमेंट पढ़े होंगे, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस, जो भी पढ़ा होगा आपने, जो भी आपने पढ़ा होगा आपके जो से कोर्स में है उसमें देखे होंगे, तो उसमें पास्कल का नियम लगता है, वो पास्कल का नियम लगता है कब, जब फ्लूड जो होता है कंप्रेशन में होता है तब, ठीक है ना, जब उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगा होता है, तो वो एग्जाम्पल हो गया फ्लूड इन कंप्रेशन का। तो ये सभी क्या है, रेजिस्टेंट बॉडी के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये जिस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं उसके उसके लिए वो रिजिड बॉडी की तरह कहते हैं, यानी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत नेग्लिजिबल, नगण्य होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंट बॉडी एंड रिजिड बॉडी, ठीक है ना, रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट बॉडी का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग काइनेमेटिक लिंक या फिर लिंक या फिर एलिमेंट। नॉर्मली एलिमेंट वर्ड जो होता है यूज किया जाता है मशीन डिजाइन में, बार बार आप सुनेंगे हमसे बोलते हुए एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट, ठीक है, या किताबों में बार बार पढ़ेंगे तो एलिमेंट 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 पढ़ेंगे, वो नॉर्मली इस वर्ड का यूज मशीन डिजाइन में यूज होता है। और लिंक या फिर काइनेमेटिक लिंक, तो नॉर्मली लिंक हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक लिंक, लिंक या एलिमेंट हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्ध गतिक कड़ी या फिर कड़ी, ठीक है ना।
कड़ी ही बोलते हैं, आप कड़ी 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 ही सुनेंगे। हिंदी में जब पढ़ेंगे तो कड़ी लिखा रहेगा, हर जगह कड़ी लिखा रहा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, एक रेजिस्टेंट बॉडी होता है। क्या होता है, ए रेजिस्टेंट बॉडी एक प्रतिरोधी पिंड होता है, एक प्रतिरोधी पिंड, ठीक है, या फिर एक ग्रुप ऑफ होता है, या फिर एक ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी। यानी प्रतिरोधी पिंडों का समूह होता है। बट ये क्या होने चाहिए, रिजिडली कनेक्टेड होने चाहिए, रिजिडली कनेक्टेड। रिजिडली कनेक्टेड का मतलब दृढ़ता से बंधे हुए चाहिए, दृढ़ता से बंधे, ठीक है। आपको नोट्स जो है मिलेगा, ठीक है ना, तो इसलिए हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। और आप लोग अगर जाएंगे तो फ्री में भी, अभी जो बच्चे पे नहीं किए होंगे उनको भी मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं ऐप पर जो है, फ्री में भी इस पहले चैप्टर का आपको नोट्स मिल सकता है, मिल जाएगा, ठीक है। तो दृढ़ता से बंधे, तो रिजिडली कनेक्टेड यानी दृढ़ता से बंधे होने चाहिए। तो एक रेजिस्टेंट बॉडी होता है या फिर एक ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी होता है, यानी जो रिजिडली कनेक्टेड हो। और जाहिर सी बात है, एक रेजिस्टेंट बॉडी होगा तो इसमें जो है कोई, अभी देखिए एक्चुअली में कहने का मतलब क्या है, रिजिडली कनेक्टेड कहने का मतलब क्या है, कि जब ये बंधे होंगे, एक से अधिक होंगे, ऐसे बंधे होंगे कि उनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिजिडली कनेक्टेड होने चाहिए और इनके बीच जो ग्रुप ऑफ कर रहे हैं उनके लिए है, इसके लिए नहीं है, ये तो रेजिस्टेंट बॉडी एक ही होगा, तो इसके लिए कौन सा रिलेटिव, आपस में ही उसके अपने आप में ही कौन सा रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। लेकिन यहां पर एक ग्रुप ऑफ है, ग्रुप मतलब कई सारे हैं, तो वो रिजिडली कनेक्टेड होने चाहिए और इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एक लिंक कहलाएगा, समझिएगा ध्यान से, एक रेजिस्टेंट बॉडी लिंक कहलाएगा या फिर एक ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी जो कि दृढ़ता से बंधे हुए हैं और इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, एक ग्रुप एक लिंक कहलाएगा। तो या चाहे इसको एक रहेगा तब एक लिंक कहलाएगा, या फिर ये जो होंगे ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी एक लिंक कहलाएंगे। और लेकिन यहां पर एक चीज शर्त है, शर्त ये है कि ये जो एक रेजिस्टेंट बॉडी है यानी एक प्रतिरोधी पिंड है, और चाहे ये ग्रुप जो है वो अदर पार्ट जो है उस मशीन के या मैकेनिज्म के जो अदर पार्ट्स हैं, अदर जो एलिमेंट्स हैं, उनसे उनके बीच और इनके बीच क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है, ये रेजिस्टेंट बॉडी उनके बीच किसी दूसरे रेजिस्टेंट बॉडी के साथ में, यानी इसके और उसके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तभी ये लिंक कहलाएगा। नहीं तो अगर उससे भी वो नहीं कर रहा तो वो फिर दोनों मिलके क्या बना देंगे, एक लिंक बना देंगे। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको पूरी डिफिनेशन समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल पर आते हैं, फिर आप समझ लीजिए, फिर से एक बार डेफिनेशन को हम बोल देंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहां पे वही आईसी इंजन का, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एक आईसी इंजन का हम पूरा बना देते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या है, फ्रेम है, ठीक है ना, जो कि सिलेंडर है, आप समझिए सिलेंडर है जो कि फ्रेम, जो भी देखिए किसी भी मशीन में या मैकेनिज्म में जो स्थिर पार्ट होता है, यानी जो
अर्थ से कनेक्टेड होता है या समझिए, या फिर जो स्थिर पार्ट होता है यानी जो रुका हुआ पार्ट होता है वो मोशन नहीं करता, उसको हम नॉर्मली फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेम। तो यहां पर हो गया यहां पे क्रैंक हो गया और यहां पे लगा होता है हमारा बियरिंग। क्या होता है? एक स्टीम इंजन को बना रहे हैं मान के चलिए, ये हमारा बियरिंग है, ठीक है ना। अब बियरिंग यहां पे होगा क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, ये हमारा क्रैंकशाफ्ट, इसी पे कहीं पीछे जो होता है इसी क्रैंकशाफ्ट पर इसी बियरिंग से जुड़ा हुआ एक लगा होता है हमारा फ्लाई व्हील। क्या लगा होता है? आप ऐसे समझ सकते हैं फ्लाई व्हील है, ये क्या है? फ्लाई व्हील है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये फ्रेम जो हो गया, और या फिर कहिए सिलेंडर जो हो गया, फ्रेम प्लस सिलेंडर, इंजन का सिलेंडर भी नहीं मूव करता है, ठीक है ना। और ये फ्रेम हो गया, ये भी फ्रेम का पार्ट है, और बियरिंग हो गया, बियरिंग भी तो मूव नहीं कर रहा है, बियरिंग रुका हुआ है, बियरिंग पर ही तो टिका हुआ है क्रैंकशाफ्ट। तो ये बियर फ्रेम सिलेंडर और बियरिंग मिलके क्या बना रहे हैं? एक काइनेमेटिक लिंक बना रहे हैं, क्योंकि इनके बीच कोई रिलेटिव नहीं, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्या है? तीनों के तीनों स्थिर हैं, तो तीनों मिलके एक लिंक बनाएंगे, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक जब, इसीलिए हम जब मैकेनिज्म को एनालाइज करेंगे तो एनालाइज करते समय इन सबको एक मानेंगे, एक लिंक मानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो है ये देखिए, इसका समझ होना बहुत जरूरी है एक लिंक मानने का, क्योंकि ये आगे यूज होगा जब आप किसी एनालाइज करेंगे मैकेनिज्म को, कितने लिंक हैं मैकेनिज्म में, और उसका जो है रिलेटिव मोशन आप चाहे वेग त्वरण निकालना चाहते हैं तो उसको एनालाइज करने के लिए ये सब आना जरूरी है कि कितने काइनेमेटिक लिंक इसमें हैं, ठीक है ना। दूसरा चीज देखिए, इस पर जो क्रैंक और क्रैंकशाफ्ट होते हैं ये अलग अलग बिल्ड नहीं होते हैं, ये जानिए पहले, ये एक ही में बिल्ड होते हैं, यानी क्रैंकशाफ्ट जो होता है और क्रैंक जो होता है वो एक साथ जुड़े होते हैं, बिल्ड होते हैं, और फ्लाईव्हील को इसी पर क्या किया जाता है? टाइटली कस दिया जाता है क्रैंकशाफ्ट पर, ठीक है। और तीनों ही तीनों के तीनों एक आरपीएम पर रोटेट करते हैं, इसीलिए इनमें, क्योंकि तीनों एक आरपीएम पर रोटेट करते हैं, सेम आरपीएम पर रोटेट करते हैं, इसीलिए तीनों मिलके एक लिंक बनाते हैं। तो कौन कौन से हो गए? फ्लाई व्हील यानी गतिपाल पहिया, क्रैंक और क्रैंकशाफ्ट। ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक लिंक बना रहे हैं, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड देखिए, ये अकेला लिंक है इसमें, यानी एक रेजिस्टेंट बॉडी है और लिंक भी है, और यहां पर देखिए एक लिंक हो रहे हैं लेकिन तीन रेजिस्टेंट बॉडी मिलके एक लिंक बना रहे हैं, तीनों ही मिलके एक लिंक बना रहे हैं। और यहां पर भी तीन चीजें मिलके, फ्रेम का मतलब, कहने का मतलब पूरा हिस्सा जो फ्रेम जो टिका हुआ है जमीन से, ठीक है ना। ये स्टीम इंजन जो होता है वो स्टेशनरी इंजन होता है, ठीक है ना, ये आईसी इंजन की बात हम नहीं करें, स्टीम इंजन की तरह समझिए, हालांकि इसमें क्रॉस स्लाइड होता है और भी चीजें होती है, वो नहीं बनाया, आईसी इंजन ही समझिए। आईसी इंजन भी ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्थिर करके भी उनसे काम लिया जाता है, जैसे कि आप जो है उसमें देखते हैं जनरेटर में, उसमें भी आईसी इंजन लगा होता है, वो भी तो स्थिर रहता है, तो उस कंडीशन में कैसे एनालाइज करेंगे हम? मूविंग का भी आप समझ ही पाएंगे, समझ लेंगे धीरे धीरे आते हुए, क्योंकि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में वो फ्रेम ही कहलाएगा जो पार्ट होता है गाड़ी का पार्ट पूरी तरह से, ठीक है। अच्छा, तो फ्रेम प्लस सिलेंडर और बियरिंग पूरा मिलके तीनों एक लिंक बना रहे हैं, ठीक है। और कनेक्टिंग रॉड ये अकेला एक ही रेजिस्टेंट बॉडी है और एक लिंक बना रहा है ना। और जो पिस्टन हो गया, और पिस्टन के ऊपर पिस्टन रिंग होते हैं, ठीक है ना, तो वे पिस्टन और पिस्टन रिंग, पिस्टन प्लस पिस्टन रिंग आप लोग पढ़े होंगे, सॉरी
RING। तो पिस्टन और प्लस पिस्टन रिंग मिलके क्या बना रहे हैं, एक रेजिस्टेंट बॉडी, सॉरी एक लिंक बना रहे हैं, ठीक है ना। दो अलग अलग रेजिस्टेंट बॉडी हैं क्योंकि दोनों जो है एक स्पीड पर, क्योंकि पिस्टन रिंग पिस्टन पर लगा होता है ना, दोनों ही एक एक वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, वेलोसिटी हो गया चाहे एक्सेलरेशन हो गया, दोनों सेम एक साथ ही मूव करते हैं। तो पिस्टन प्लस पिस्टन रिंग एक लिंक बना रहे, कनेक्टिंग रॉड एक लिंक है, फ्लाईव्हील और क्रैंक शाफ्ट एक लिंक है, और फ्रेम और सिलेंडर और बियरिंग ये मिलके एक लिंक बना रहे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, जब काइनेमेटिक लिंक का डेफिनेशन लिख लेंगे तो एग्जांपल के लिए लिखेंगे, जैसे आईसी इंजन में फ्रेम सिलेंडर और बियरिंग मिलके एक लिंक बनाते हैं, तथा फ्लाईव्हील क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट मिलके एक लिंक बनाते हैं, कनेक्टिंग रॉड एक लिंक होता है, पिस्टन और पिस्टन रिंग मिलके एक लिंक बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया काइनेमेटिक लिंक का एग्जांपल के साथ, ठीक है। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक लिंक के साथ, तो मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।